तो हे गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे सनराइज देख रहे हैं। अमेजिंग। हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो गाइस, अभी हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और हम चलते हैं एक नई जगह पर। गाइस, मैं अभी डोईवाला के फ्लाईओवर पे हूँ और आज का जो मेरा सफ़र होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और सामने का व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है, और सामने जो पंछी उड़ रहा है ना, वाह। अभी थोड़ा क्लियरिटी कम होगी क्योंकि अभी मॉर्निंग में थोड़ा मॉर्निंग का भी 6:30 या 7 बज रहा होगा, और मुझे अभी घर से निकले हुए आधा घंटे के आसपास ही हो रहा है, क्योंकि मैंने सोचा यार अभी वापस भी आना है तो 1-1.5 बजे तक मुझे वापस आना है, तो मैं सोच रहा हूँ यार थोड़ा लंबा राइड करके आते हैं आज। तो गाइस, आप लोग वीडियो पे बने रहिए और हम दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। और ये है मेरे साथ सूरज, दिख नहीं रहा है, लड़की लग रही है क्योंकि अभी थोड़ा धूप कम है, जब धूप सामने आएगी तो बदल जाएगा इसका फेस भी। तो चले फिर। चलो सर। ओके। अबे हेलमेट का है तेरे सर पे? अबे अबे यार भाई, मतलब तेरे को हवा लग रही ठंडी ठंडी ना, मैंने इससे नीचे नहीं किया, मुझे पता नहीं चला कि गाड़ी क्या है। ये देखो सुबह सुबह सस्ता नशा करके आ गया ये। अबे नहीं, हेलमेट का पता नहीं है, हद है यार। नहीं पर भाई सामने का व्यू मुझे इतना प्यारा लग रहा है, माँ कसम क्या बोलूं मैं, अगर DSLR होता ना तो भाई क्लियरिटी कुछ और ही होती। लेकिन क्या करें, हम गरीब आदमी, सस्ते ब्लॉगर। अरे सस्ते ब्लॉगर वाली बात नहीं है भाई, आप लोग हमारा सपोर्ट करिए बस, बाकी सब कुछ आ जाएगा। नहीं चाहिए बस, आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो, इससे ज़्यादा और मुझे क्या चाहिए, बस आपका प्यार सपोर्ट। प्यार और सपोर्ट से हम लाइक डू सब्सक्राइब गाइस फॉर मॉर्निंग राइड। तो हे गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं अभी एयरपोर्ट पे, और किसको रिसीव करने वाले हैं यहाँ से तो आप लोग को दिखाते हैं आगे। वाह भाई प्यारा यार, कितना प्यारा लग रहा भाई ना, पंछी हमारे आते ही गायब, बैठ गए वो उस पेड़ पे सारे। तो हे गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे सनराइज देख रहे हैं भाई, इतना अमेजिंग है ना, अरे बोल नहीं सकता। व्यू इतना प्यारा लग रहा है अभी मॉर्निंग का, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सनराइज। ओ भाई साहब, ये क्या रखा,
वेलकम टू ऋषिकेश।